नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए चुन लिए गए हैं। ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण पास कर लिया है। वहीं नए स्पीकर बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद ओम बिरला को बधाई देते नजर आए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आज सदन की महफिल लूट ली। जी हां, दरअसल जब ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए तब उनको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बधाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बधाई के साथ साथ परोक्ष रूप से सरकार पर वार भी किया। यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला को ही नसीहत दे डाली। फिर क्या था, सदन में पीएम मोदी के हनुमान हो और विपक्ष को जवाब ना मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हां, बात कर रहे हैं सांसद चिराग पासवान की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने खड़े हुए और साथ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को लपेट लिया और मुंह तोड़ जवाब दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट। संसद की पहली परीक्षा में मोदी सरकार पास हो गई है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। वहीं ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा स्पीकर बन गए। संसद सत्र के तीसरे दिन यानी आज पीएम मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश ने ओम बिरला को बधाई दी। राहुल और अखिलेश ने बधाई के साथ परोक्ष रूप से सरकार पर वार भी किया, पर जब मोदी के हनुमान के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने एक साथ यूपी के दो लड़कों को लपेट लिया। जी हां, चिराग पासवान ने बगैर नाम लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष को जवाब दिया। विपक्ष चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि अगर आप सत्ता पक्ष से बेहतर आचरण की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही आचरण दिखाना होगा। चिराग पासवान ने अपने बयान में राहुल गांधी की उस मांग की ओर इशारा किया जिसमें उन्होंने सरकार से डिप्टी स्पीकर पद मांग की थी। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने अखिलेश को भी बिना नाम लिए टारगेट किया। अखिलेश ने लोकसभा स्पीकर से विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने की बात कही थी। पहले तो आपको सुना देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा बोला क्या था कि पीएम मोदी के हनुमान को देना पड़ा मुंह तोड़ जवाब। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके साथ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। एंड दिस इलेक्शन हैज शोन दैट द पीपल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द ऑपोजिशन टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द संविधान ऑफ दिस कंट्री। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इतना बोलना भर था कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले सांसद और मंत्री चिराग पासवान खड़े हुए और यूपी के दो लड़कों को जवाब दे डाला। जब चिराग पासवान सदन को संबोधित कर रहे थे और विपक्ष की आलोचना कर रहे थे तब उनके पीछे बैठे गिरिराज सिंह गदगद नजर आए। चिराग के आचरण वाली नसीहत पर गिरिराज सिंह तो मेज थपथपाने लगे। चिराग पासवान ने मुंह तोड़ जवाब में क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहां पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला, मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। अब देखा जाए तो स्पीकर पद पर चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सरकार से डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी।
चिराग ने उसी संदर्भ में सदन में ये बात कही। वहीं आश्चर्य वाली बात तो यह है कि अखिलेश के बयान के संदर्भ में थी। अखिलेश ने कहा था कि सदन आपके इशारे पर चले, ना कि इसका उल्टा हो। हालांकि ये तो अभी सदन की शुरुआत है, ऐसे में अभी की स्थिति को देखकर ये समझा जा सकता है कि अगर शुरुआत ऐसी है तो फिर आगे सदन की कार्यवाही कितनी रोचक होने वाली है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संसद में मजबूत स्थिति में है, ऐसे में विपक्ष के करारे सवालों के जवाब किस अंदाज में सत्ता पक्ष देगा, इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।